राम कथा जो अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य बना लेता है ना भैया, वो फक्कड़ में भी उस मौज में रहता जो सहनसाय नहीं पा पाते हैं। फक्कड़पन में एक एक चौपाई गुड़ है, एक एक चौपाई, एक चौपाई पर बोला जाए तो जिंदगी गुजर जाएगी पर वो चौपाई पूर्ण नहीं होगी। इसलिए भैया जितने भी यहां बैठे हैं ना कक्का हरो, हमारो निवेदन है पूछो का, सुबह नहीं तो शाम रोज 5 चौपाई पढ़ना प्रारंभ कर दो, आपकी जिंदगी में हर प्रश्न का उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जितने भी युवान बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं ना, विद्यार्थी कौन कौन है, आए है पढ़ने वाले हो ना, अच्छा कई बार अटक जाते हो ना, अच्छा याददाश्त की बड़ी दिक्कत होती है ना, होती है ना, याद नहीं रहता, होता है ना। सुनो आज ही गांठ बांध लो, हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, हा लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से, जाते थे तो मास्टर कह देते थे तुम मत पढ़ो, गए हैं कम गए, क्योंकि हम जाते से वही शुरू हो जाते तो हस्तरेखा, हा गड़बड़ हो जाता था सब, मास्टर कहते थे तुम मत आया करो, हमने कहा नाम कट जाएगा, बोला तुम्हारा नहीं कटेगा। हमें पेपर के दिन याद रहता था कि आज जो है अर्थशास्त्र का पेपर है, हाँ लोग हमसे पूछते थे 11वीं के बाद कि आप काहे से पढ़ रहे हो, तो हम कई बार आर्ट को साइंस कह देते थे और साइंस को आर्ट कह देते थे, लेकिन सच बता रहे व्यासपीठ से झूठ नहीं बोल रहे, हमने रामायण रोज पढ़ी अपनी माताजी की आज्ञा से, आज तक कभी भी फेल तो ठीक है, डिक्टेंशन तो ठीक है, आज तक 60% से कभी कम मार्कशीट नहीं बनी। रुका तो 12वीं का तो पूछो, 12वीं में ये भाई साहब 70/4, 74% लेकर आए हैं। हा उसमें क्या बोलते हैं, वो कौन सी परीक्षा होती है, बोर्ड, बोर्ड की परीक्षा। रुको रुको, भागी को भूत कमाता है, 5,000 रुपया उस वक्त हमको प्रिंसिपल दिए रहे क्योंकि हम हूं फर्स्ट आए रहे। अभी रुको तो, अब पूछो पेपर कैसे भैया, हम जाते थे तो राम लिख के सीताराम, तुम मत लिखना। एक सीएससी साहब थे वो चेकियर, वो बोले महाराज जी राम मत लिखा करो। हमने कहा क्यों, बोले कोनो अगर धर्म विरोधी के हाथ में पेपर पड़ जाएगा तो वो फेल कर देगा। हमने कहा उसके बाप में दम नहीं है, जब पेपर में दम होगा तो कौन फेल करेगा। लेकिन रुको तो सुनो तो, पास कैसे भाई, पता है रामायण के बल पर, हमने रामायण बहुत पढ़ा और आर्ट में लिखना बहुत पड़ता है, रामायण को हमने खूब पढ़ा, हमें कंठस्थ उतना कंठस्थ नहीं है जितनी भी है, रामायण मैया की कृपा है। जब प्रश्नोत्तरी करने बैठते हैं, जिंदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान और उत्तर रामचरितमानस में ना हो। कोई पढ़े भर तो जितने पढ़ने वाले, रुको तो सुनो ना, जितने भी पढ़ने वाले बालक है ना, निवेदन है कल से नहीं, तुम 2-4 दिन तो पढ़ते हो और फिर सुसवा जाते हो, मतलब सो जाते हो और रोज प्रण करते हो कि आज तो 6 बजे उठेंगे ही उठेंगे, अलार्म लगा लेते हो मोबाइल में भी, और 6 बजता है तो लगता 5 मिनट और सो ले, का बिगड़ जाएगा, और 5 मिनट के लिए अलार्म बंद करा तो सीधे 10 बजे खुला थे। हाजी या ना जी, होता है ना ऐसा,
रात को 5 चौपाई पढ़ो। कितनी? याददाश्त नहीं आती है, याददाश्त में दिक्कत है, तो एक काम करो, रोज सूर्य भगवान को अर्घ दो और भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट करो, जो पढ़ लोगे वो दिमाग में भर जाएगा। और एक बात, जब भी पेपर देने जाओ ना, गणेश भगवान माँ सरस्वती को प्रणाम करके और गौ माता को गुड़ चना की रोटी खिलाकर जाया करो। बस इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोटी और गुड़ खवाओ तो पेपर ना भरना पड़े और पास हो जाएं। ना ना ना, ये बाय बैक सपोर्टेड है। जैसे आपने बॉल देखी कुम्हड़ा की, कुम्हड़ा की बॉल में कुम्हड़ा तो लगते हैं पर उसे कोई तना चाहिए रहता सपोर्ट के लिए, चाहे मकान हो चाहे पेड़ा, हाथ या हाँ या ना बोलो। उसी प्रकार ये उपाय सपोर्ट हैं, तुम पढ़ोगे इन उपायों को करोगे तो 2-4 नंबर से अगर फेल हो रहे होगे तो भगवत कृपा से वो 2-4 नंबर से पास हो जाओगे। इसलिए का पढ़ो बोलो ना, कौन कौन पढ़ेगा? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आजकल रामायण साल भर में एक बार खोली जाती दिवाली पर और फटकार के फिर धर देते हैं। और पहले के जमाने में जब ये टीवी और बीबी कम चलती थी तब रोज शाम को बयारी करके दादाजी मोटा चश्मा लगाकर बैठते थे, पूरा परिवार बयारी करके बैठता था ठंडी में, गुड़ी से में आगी जल रही और रामायण रखी पढ़ रहे हो साहब, कोई कुकर रहा रजाई ओढ़े हो दादाजी पढ़ रहे, प्रात काल उठे के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी महाराज प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते तो सब बच्चे पढ़ते थे। अब आजकल टीवीएन में चल गए देवरानी जेठानी सास बहू ढिसुम ढिसुम तो हर घर में यही मचा है, देवरानी जेठानी सास बहू और ढिसुम ढिसुम। हा भाई, जो देखेंगे वही करेंगे ना। अपने बच्चों को रामायण पढ़वाओ, बच्चों को जो करवा दोगे ना बच्चे वही बनेंगे। बेटा हो या बेटी, जितने भी अभिभावक बैठे हैं ना, अभिभावक मतलब माता पिता जितने भी बैठे हैं ना, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रामायण भारत की धरोहर है, रामचरितमानस भारत की संपत्ति है, रामचरितमानस जीवन जीने की कला टेस्ट है, रामचरितमानस मानव तन का दर्पण है, रामचरितमानस जीवन का सार है, रामचरितमानस चलता फिरता सदग्रंथ भगवान भूत भावन महादेव है। इसलिए रोज पढ़ो।